एक सेकंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है, और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है, और बचपन से मैंने कभी कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहां तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे, आज आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है। अश्विनी चौबे नाराज हैं, रोहिणी आचार्य ने निमंत्रण दिया है चुनावी प्रचार में आने के लिए, क्या महागठबंधन में अगर वो आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे मुझे? जब हमारे गठबंधन के द्वारा से स्वागत था तो हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे जी, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि पार्टी के इतना गद्दावर नेता और इतना सेवा किए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए। पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है, आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यही का हूँ और यही का बनकर रहूंगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा, बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूंगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, अनहोनी 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 होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं, जो हो गया सो हो गया, और अब की बार 400 बार होगा, 400 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है, मैं जानता हूँ, एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं चौहत्तर आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा के भी शाह के आंदोलन से 13-14 साल की उम्र में शुरू किया था, और उतना ही नहीं मैंने 7 आंदोलन से, और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम, लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफी बक्सर से लेकर सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही, क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है, और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे, मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया मीडिया ने भी कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे, मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा, और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम बिल्ली, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं। भाजपा हमारी माँ है, भाजपा ने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है, ना मैंने कभी अपने लिए, ना परिजन के लिए मांगा है। भाई ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे प्रधानमंत्री